डॉक्टर श्रीधरन कहाँ हो आप? अरे अरे आराम से तो। गुड मॉर्निंग रोज। गुड मॉर्निंग वंस। गुड मॉर्निंग अंकल। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बस वक्त के साथ खुद को संभाल रहे हैं। देखो ना, एक महीना हो गया डॉक्टर श्रीधरन को गुजरे हुए। आई एम रियली सॉरी। चलिए वैसे एक्चुअल में हुआ क्या था? डॉक्टर श्रीधरन अपने कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे घर रुके हुए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक 21 अप्रैल की रात को जब हम घर पहुंचे तो हमने देखा मेरा गार्डनर जो है वो डॉक्टर श्रीधरन की लाश के पास बैठा हुआ है। मेरा तो दिल ही बैठ गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पुलिस ने आकर मदन को गिरफ्तार कर लिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मदन हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे ही गार्डनर ने हमारे साथ इस तरह का धोखा किया। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, आखिर मदन अंकल ऐसा कर कैसे सकते हैं? नहीं नहीं बेटा, हमें कुछ पता नहीं, जमा नहीं खराब है, पता नहीं कब किसकी नियत बदल जाए, किसको पता। सही बात है, आजकल तो किसी पर भी विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। पर आज आप यहाँ अनाथ आश्रम में कैसे? डॉक्टर श्रीधरन की आत्मा को शांति मिले उसकी चैरिटी के लिए यहाँ आया। वैसे तुम्हारा इन अनाथ बच्चों को पढ़ाना मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा। गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। हाँ वो तो बस ऐसे ही मन बहल जाता है, वक्त बिताने का काफी अच्छा तरीका है। आइए। अरे नमस्कार सर, क्या बात है। नमस्ते नमस्ते। आप तो 9 बजे आने वाले थे, बहुत पहले आ गए। समय था तो मुझे लगा चलो इस काम को जल्दी निपटा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिराजी बिराजी आइए। इस आनंद आश्रम में आनंद आपके कारण ही बरसता है। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you.
शिवानी, क्या हुआ शिवानी, तुम रो क्यों रही हो? बताओ क्या हुआ? रुद्र, रुद्र गायब है। क्या, रुद्र गायब है? रुद्र, रुद्र दो दिन से घर नहीं आया। आनंद अंकल, ये और इसका भाई रुद्र, ये पिछले साल ही अनाथ आश्रम छोड़कर जा चुके थे, इन्हें कहीं काम मिल गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, रो मत बेटी, तुम्हारा भाई जल्दी ही मिल जाएगा। आई विल कंप्लेन टू द पुलिस। वैसे उसका कोई फोटोग्राफ है तुम्हारे पास? हाँ शिवानी, कोई फोटो है? नहीं, मैं यहाँ वही लेने आई थी, पर वार्डन मिस्टर शर्मा ने बताया कि उसकी कोई भी फोटोग्राफ और डिटेल्स नहीं है। शायद इनके अनाथ आश्रम छोड़ देने के कारण अब यहाँ पर कोई भी डिटेल्स नहीं। शिवानी तो अपने दोस्तों से मिलने आया जाया करती थी, पर रुद्र को तो मैंने भी कभी नहीं देखा। ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, पर चिंता मत करो, वैसे पुलिस में मैं कंप्लेन तो करवा ही दूंगा। थैंक यू अंकल। ओके, गुड बाय। इवांस, कीप मी अपडेटेड। श्योर। ओके, गुड बाय। गुड बाय अंकल। वैसे शिवानी, तुम मुझे अपने घर लेकर चल सकती हो? क्या पता हमें वहां कुछ मिल जाए। हाँ भैया, जरूर। अच्छा, तो यहाँ रहती हो तुम? हाँ। तो रुद्र भी तुम्हारे साथ ही रहता है? हाँ, हम साथ में ही रहते हैं। पानी? थैंक यू। रुद्र के व्यवहार में तुमने कुछ बदलाव देखा था? नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं, पर काफी रातों से वो लेट आने लगा था। कब से? यही कुछ एक महीना होगा। डॉक्टर श्रीधरन की मौत भी तो एक महीने पहले ही हुई थी, पर इससे उसका कंडीशन। हाँ, तो रुद्र दिखता कैसा है? ये कुछ तुम्हारे बराबर हाइट होगी और उसकी कुछ दाढ़ी भी है। और तो लास्ट टाइम क्या पहना हुआ था? ब्लू टी-शर्ट पहनी हुई। और तुम उससे लास्ट टाइम मिली कहाँ थी? दुकान पे, जहाँ पे हम काम करते हैं, उसकी मालिक के साथ कुछ बात हुई थी। ये एक बार फटे हुए थे। अक्सर वो ऐसी अजीब चीजें करा करता था, मुझे तो पता नहीं। और ये किताबें किसकी? साइंस? ये सब कौन पढ़ता है? रुद्र वही पढ़ता था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। उसका सामान इधर उधर बिखरा रहता है, कुछ चीजें सूटकेस में भी पड़ी हैं। सूटकेस? हाँ, यहाँ नीचे पड़ा है, देख सकते हैं? ये रुद्र को ढूंढने में हमारी मदद करेगा। अरे सब साथ में मिलकर ढूंढेंगे तो रुद्र का जल्दी पता चलेगा। अरे यार, मैं चाहिए मदद। गोलू प्लीज। तीस अप्रैल 2024, 22 मई 2019, 23 मई 2024, ये डेट्स क्या है? दूर हो इस मामले से, और हमसे भी। गोलू प्लीज, वो हमारी मदद कर रहा है। अरे यार, नहीं चाहिए मदद। गोलू, कौन था ये? ये रुद्र का काफी अच्छा दोस्त है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम इसकी बात का बुरा मत मानना। लगता है रुद्र के हो जाने से भी काफी परेशान। हाँ, परेशान तो है। ये क्या लिखा है? शिवानी,
रुद्र का फोटो वहाँ भी तो हो सकता है जहाँ तुम लोग काम करते हो तो सकती है, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं है। रुद्र ने ही सारी डिटेल्स भरी थी, तो हम चलकर चेक कर सकते हैं। हाँ, चेक जरूर कर सकते हैं। तो चलो। अरे अंकल, आप यहाँ? अरे वाह, आप यहाँ कैसे? मेरे एक मित्र ने, घर जाने के बाद मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि उसके यहाँ काम करने वाला लड़का पिछले 2 दिनों से लापता है, उसका कहीं पता ही नहीं चला। रुद्र यही काम करता था और ये आपके दोस्त भी है? हाँ, मैं इसीलिए यहाँ आया था, पर अफसोस यहाँ कुछ पता ही नहीं चला, ना ही उसका कोई फोटोग्राफ है। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट तो कर दी? बस वही करने जा रहा था। आप लोगों को कुछ पता चला हो तो बताओ। आई विल कंप्लेन टू द पुलिस। बताओ। हाँ, उसकी आय यही कुछ इवांस के बराबर होगी, और ब्लू टी शर्ट पहन रखा था, और थोड़ी दाढ़ी भी है। बस ठीक है, आई विल मीट यू सून। अब संभलाते हैं पुलिस को ये उलझी हुई पहेली। हाँ, क्या मतलब है इसका? ये एक जगह है, मैं जानता हूँ, नदी में, जहाँ पाइपलाइन भी है। चलो जल्दी चलो। ये गोलू है ना? गोलू, ये तुम्हारे हाथ में क्या है?